फ्रेंड्स, ऑपरेशन रिसर्च की सीरीज से आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्क शेड्यूलिंग। इससे पहले की वीडियोस में हमने लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया था और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड भी पढ़ा था, ट्रांसशिपमेंट प्रॉब्लम पढ़ा था। आज हम लोग जो है नेटवर्क शेड्यूलिंग को जो है पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम नेटवर्क शेड्यूलिंग है, तो नेटवर्क शेड्यूलिंग भी कह सकते हैं, नेटवर्क एनालिसिस भी कह सकते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो इस ये वाले चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कौन कौन से जो है टॉपिक को पढ़ेंगे, तो वो मैंने जो है टॉपिक जो है आप लोगों को एक बार जो है बता देती हूँ कि क्या क्या टॉपिक है जो इस चैप्टर में हम लोग को मिलेंगे और जिसको हम लोग को जो है डिस्कस करना है। उसके बाद जो है एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को जो है पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और इस तरीके से हम लोग का जो है पूरा एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ना है और इस तरीके से हम लोग एक एक करके टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क शेड्यूलिंग। तो नेटवर्क शेड्यूलिंग का हम लोग जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी इस चैप्टर को बोल सकते हैं, तो प्रोजेक्ट क्या है वो देखेंगे, फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट देखेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट के जो है फेजेस है, तो तीन फेज में आते हैं, प्लानिंग, शेड्यूलिंग और कंट्रोलिंग। इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे, वो बेसिक टर्म्स है नेटवर्क डायग्राम, हम लोग कैसे नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। मेन जो इस चैप्टर में हम लोग को नेटवर्क डायग्राम को ही ड्रॉ करना है क्योंकि इसका नाम ही है नेटवर्क शेड्यूलिंग, तो हम लोग नेटवर्क डायग्राम को कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे। नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने में हम लोग को और भी जो बेसिक टर्म्स है वो है एक्टिविटी। हमारे पास जो है चार टाइप के एक्टिविटीज होते हैं, प्रीडिसेसर एक्टिविटी, सक्सीडिंग लिख दिया है मैंने, सक्सीडर एक्टिविटी, कंकरेंट एक्टिविटी और डमी एक्टिविटी, चार तरह के एक्टिविटी होते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग के पास इवेंट्स, तो इवेंट भी हमारे पास होते हैं मर्ज इवेंट, बर्स्ट इवेंट। इसके बाद हम लोग का है पांचवें नंबर पर कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स में है लूपिंग, डैंगलिंग और रिडंडेंसी। तो ये तीन तरह के एरर्स होते हैं। जब हम लोग नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो हम लोग को इस बात को याद रखना है कि हमारे जो नेटवर्क के डायग्राम में जो है ये तीनों में से कोई भी एक भी एरर ना आए। इसके बाद है सिक्स नंबर पे रूल्स ऑफ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। अब हम लोग जो है कुछ रूल्स को देखेंगे, तो एक रूल तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम लोग जब नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करेंगे उसमें कॉमन एरर्स में से तीनों में से कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए, तो एक रूल ये हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स है नेटवर्क कंस्ट्रक्शन का, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। इसके अलावा जो है नंबरिंग द इवेंट, जब हम लोग इवेंट को जो है हम लोग मतलब जब हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे तो हम लोग जो इवेंट रहेगा उसको नंबरिंग करेंगे। इवेंट क्या है, इवेंट जो है हम लोग पढ़ेंगे, पहले इवेंट क्या होता है उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि नंबरिंग कैसे करते हैं इवेंट को। फिर उसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क। इतना सब कुछ पढ़ लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेटवर्क कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो देखेंगे। तो ये देखने में काफी लंबा लग रहा है कि ये इतने सारे टॉपिक्स को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये सारे टॉपिक काफी छोटे छोटे हैं, सबको हम लोग आराम से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा है टाइम एनालिसिस। अब टाइम एनालिसिस जब हम लोग नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे, ड्रॉ करने के बाद हम लोग उसको नंबरिंग भी कर देंगे, उसके बाद का जो स्टेप है टाइम एनालिसिस का स्टेप, उसमें हम लोग क्या करते हैं डायग्राम को पहले फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन करते हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट हम लोग चेक करते हैं, टाइम निकालते हैं, और बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन करते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट हम लोग को जो है टाइम निकालते हैं डायग्राम में। फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन में हम लोग अर्लीएस्ट टाइम निकालते हैं, बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन में हम लोग लेटेस्ट टाइम निकालते हैं। उसके बाद है हम लोगों का डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लोट्स एंड स्लैक टाइम। अगर जब यहां तक हम लोग कंप्लीट कर ले, हम लोग जो है फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन भी कर लिए, बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन भी कर लिए, इसके बाद हम लोग टोटल फ्लोट निकाल सकते हैं, फ्री फ्लोट निकाल सकते हैं, इंडिपेंडेंट फ्लोट्स निकाल सकते हैं। इसके लिए भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, तो वो सबको जो है हम लोग यूज करके यहाँ पे देखेंगे। फिर आते हैं हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटी, क्रिटिकल पाथ। जब हम लोग नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ कर लेंगे तो हमारे पास जो है स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पाथ रहेंगे, लेकिन क्रिटिकल पाथ जो है एक ही पाथ रहता है जिसको हम लोग क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। वो पाथ को हम लोग को नेटवर्क डायग्राम में जो है निकालना पड़ता है, और फिर उसी तरीके से हम लोग उससे क्रिटिकल एक्टिविटी भी निकालेंगे। इतने सब कुछ हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिटिकल पाथ मेथड्स यानी कि CPM और प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक यानी कि PERT। तो ये दोनों के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उससे पहले जो है हम लोगों को इतने सारे बेसिक टर्म्स को जो है जानना पड़ेगा, तो चलिए एक एक करके जो हम लोग शुरू करते हैं और अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक एक करके जो है हम लोग यहाँ से अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क शेड्यूलिंग, तो पहले ये वाला चीज देखेंगे और उसके बाद जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोगों को कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज रहे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क शेड्यूलिंग।
तो इंट्रोडक्शन में क्या है, नेटवर्क शेड्यूलिंग का या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन है। इट इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग लार्ज प्रोजेक्ट। ये क्या है, ये एक टेक्निक है जो यूज किया जाता है प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग लार्ज प्रोजेक्ट्स, ओके, इन दी फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, फैब्रिकेशन एंड परचेसिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक लार्ज प्रोजेक्ट है। अब हम लोग को देखना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट्स क्या है। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक था वो प्रोजेक्ट था। तो प्रोजेक्ट्स क्या है, प्रोजेक्ट इज डिफाइंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज, ऑल ऑफ विच मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन अ सर्टेन ऑर्डर फॉर इट्स कम्प्लीशन। तो प्रोजेक्ट जो क्या है, कॉम्बिनेशन है इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज का, जो है कॉम्बिनेशन है जो कि एक सर्टेन ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है, तो इसको हम लोग प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो फ्रेंड, जैसे हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है, तीन तरह के फेज होते हैं। पहला फेज होता है प्लानिंग, दूसरा शेड्यूलिंग और तीसरा कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग फेज में क्या होता है, डिवाइड द प्रोजेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज। हम लोग का जो प्रोजेक्ट होता है उसको हम लोग जो है एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं, फिर एस्टिमेट द टाइम रिक्वायरमेंट फॉर एक्टिविटीज, टाइम रिक्वायरमेंट देते हैं, फिर एस्टैब्लिश प्रेसिडेंट रिलेशनशिप, ओके, उसके बाद कंस्ट्रक्ट एरो डायग्राम। मतलब फेज वन में जो है, जो फेज वन जो है हमारा प्लानिंग में, इस फेज में जो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो भी एक्टिविटीज या फिर और उसके प्रेसिडेंट एक्टिविटीज जो दिए हुए रहते हैं, उन दोनों से हम लोगों को कंस्ट्रक्ट करना होता है एरो डायग्राम, यानी कि नेटवर्क डायग्राम। तो फेज वन में हम लोग प्लानिंग में नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट है शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में क्या रहता है, डिटरमाइन द स्टार्ट एंड एंड टाइम फॉर एक्टिविटी। हम लोग फेज शेड्यूलिंग के फेज में क्या करते हैं, जो हम लोग एरो डायग्राम बनाए, उस एरो डायग्राम के बनाने के बाद हम लोग जो है फॉरवर्ड पास कंप्यूटेशन करते हैं, बैकवर्ड पास कंप्यूटेशन करते हैं, जैसे हम लोग जो है ऑलरेडी अपने टॉपिक्स में देखे थे। तो वो कंप्यूटेशन करने के बाद जो है हम लोग टाइम निकालते हैं, उसके बाद क्रिटिकल पाथ निकालते हैं, क्रिटिकल एक्टिविटी निकालते हैं, स्लैक निकालते हैं, फ्लोट्स निकालते हैं। तो ये सारे जो वैल्यू जो है ये हमारा फेज टू में आता है, जिसको हम लोग शेड्यूलिंग बोलते हैं। तीसरा फेज है हम लोगों का कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, मेकिंग द पीरियोडिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट। हम लोग क्या कर चुके हैं, फेज वन में हम लोग नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ कर चुके हैं, फेज टू में हम लोग टाइम निकाल चुके हैं, स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, क्रिटिकल पाथ निकाल चुके हैं, स्लैक और फ्लोट भी निकाल चुके हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास जो फेज टू से वैल्यू आए हैं उसको हम लोग पीरियोडिकल प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएंगे, मतलब एक चार्ट टाइप का बनाएंगे, एक टेबल टाइप का बनाएंगे, और उसमें जो है हम लोग इसको लिखेंगे, रिव्यूइंग द प्रोग्रेस, एनालाइज द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो ये हो गया हमारा फेज थ्री यानी कि कंट्रोलिंग। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, तो देखिए हम लोग का जो है इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट्स भी जो हम लोग का तीनों फेज जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद है हमारा बेसिक टर्म, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे नेटवर्क डायग्राम। अब तक हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं कि नेटवर्क डायग्राम, अब देखेंगे नेटवर्क डायग्राम क्या होता है। इसके बाद हम लोग एक्टिविटीज पढ़ेंगे, ओके। तो नेटवर्क डायग्राम क्या है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिकली एंड सिक्वेंशियली कनेक्टेड एरोस एंड नोड्स रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटीज एंड इवेंट्स इन अ प्रोजेक्ट। तो ये एक ग्राफ है, इससे समझ में आ रहा है कि ये ग्राफ है। अब हम लोग को जो है ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये ग्राफ किन कैसा ग्राफ है, क्या क्या चीज से मिलकर बना है। ये ग्राफ में हम लोग को सिर्फ देखने को मिलेगा एरोस और नोड्स। एरो मतलब ये हम लोग जो एरो होता है इसको बोलते हैं एरो, और नोड मतलब ये इसको बोलते हैं नोड। तो इन दोनों से मिलकर के हम लोगों का जो है जो डायग्राम बनता है उसको बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम। तो कैसे बनेगा नेटवर्क डायग्राम, ये देखिए यहां पर जो है मैं एक नेटवर्क डायग्राम बनाती हूं। ये नोड है, फिर यहां से एक एरो गया, फिर इधर से भी एरो जा सकता है, फिर यहां पे नोड बनेगा, फिर ये बन सकता है, फिर ये बन सकता है। इस टाइप का जो है डायग्राम रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क डायग्राम। और ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये इस डायग्राम में क्या है, सिर्फ एरो है और नोड्स है, और ये एक जो है लॉजिकली एंड सिक्वेंशियली कनेक्टेड एरोज एंड नोड्स। तो ये जो है कनेक्टेड है, ये जो एरो है और जो नोड है एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क डायग्राम। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इवेंट्स, सॉरी इसके बाद था हमारा एक्टिविटी। तो एक्टिविटी क्या है, इट रिप्रेजेंट सम एक्शन। एक्टिविटी कोई एक्शन है, ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एंड इज अ टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट नेसेसरी टू कम्प्लीट अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ ओवरऑल जॉब। तो बेसिकली एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी होता है कोई टास्क, कोई जॉब या फिर कोई एक्शन, उसको एक्टिविटी बोलते हैं। और ये नेटवर्क डायग्राम में जो है होता है, इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो ये जो है देखिए यहां पे ये है,
जो ये नेटवर्क डायग्राम एक सिंपल सा जो बना, ये भी नेटवर्क डायग्राम है क्योंकि ये भी एरो और नोड से मिलकर के बना है। तो ये जो नेटवर्क डायग्राम है, यहाँ पे ये जो है ना ए, इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिविटी। ये जो एरो है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी। यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है एरोज एंड नोड्स रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटीज एंड इवेंट्स, मतलब जो एक्टिविटी है वो एरो है और जो इवेंट है वो नोड है। मतलब ये जो एरो है ये एक्टिविटी है और ये जो दो नोड है इसको बोलते हैं हम लोग इवेंट। तो ये ए एक्टिविटी है यहाँ पे, और यहाँ पे ये होगा आई और ये होगा जे। आई मतलब होगा यहाँ पे टेल, और ये जो जे है इसको यहाँ पे बोलते हैं हेड। तो अगर ये इवेंट है तो यहाँ पे इसको बोल देंगे टेल इवेंट, और ये बोलेंगे इसको बोलेंगे हेड इवेंट, और ए यहाँ पे क्या है एक्टिविटी। तो अगर हम लोग अब डायग्राम में देखें, तो अगर हम लोग अब डायग्राम में अपना नेटवर्क डायग्राम में देखें, तो ये जो एरो है इसका नाम हम लोग देंगे ए, इस एरो का नाम दे देते हैं बी सी डी ई एफ। ये दे सकते हैं, इसका मतलब हमारा ये जो ए बी सी डी ई और एफ है ये सब क्या है, ये सब हमारे पास जो है एक्टिविटीज है। अब एक्टिविटीज भी जो है चार टाइप के एक्टिविटीज होते हैं। नेटवर्क डायग्राम में हम लोग को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होता है एक्टिविटी को, एरो के ऊपर उसका नाम दे देते हैं कुछ भी, और वो एरो जो है वो एक्टिविटी होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। तो चार टाइप के एक्टिविटीज होते हैं, जैसे हम लोग पहले टॉपिक में देख चुके हैं, प्रिसीडिंग एक्टिविटी, सक्सीडिंग एक्टिविटी, कंकरेंट एक्टिविटी और डमी एक्टिविटी। तो अब देखिए इस एरो डायग्राम में प्रिसीडिंग एक्टिविटी कौन सा है, जो एक्टिविटी किसी एक्टिविटी के पहले हो रही है तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिसीडिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है आई है और ये जे है, ठीक है, ये इसके लिए आई है और जे है, पर बी के लिए ये वाला आई हो जाएगा और ये जे हो जाएगा। खैर इसको अभी छोड़िए। यहाँ पे देखिए ये जो एक्टिविटी ए है, ए एक्टिविटी पहले हो रहा है, बी एक्टिविटी बाद में हो रहा है, और फिर बी और सी को कंपेयर करें तो बी एक्टिविटी पहले हो रहा है, सी एक्टिविटी उसके बाद हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे डी और ई में देखें तो डी पहले हो रहा है, ई बाद में हो रहा है, लेकिन अगर ई और एफ को कंपेयर करें तो ई पहले हो रहा है, एफ बाद में हो रहा है। तो जो एक्टिविटी किसी भी एक्टिविटी के पहले होगा वो उसको बोलेंगे हम लोग प्रिसीडिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी डेट मस्ट बी अकम्प्लिश्ड बिफोर अ गिवन इवेंट कैन अकर। तो यहाँ पे जो ए एक्टिविटी है बी एक्टिविटी के पहले हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रिसीडिंग एक्टिविटी। इसी तरीके से अपोजिट हो जाएगा सक्सीडिंग एक्टिविटी, जो एक्टिविटी किसी एक्टिविटी के बाद हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे सक्सीडिंग एक्टिविटी। ओके, तो अब है इसके बाद कंकरेंट एक्टिविटी। तो एक्टिविटी टेकिंग प्लेस एट सेम टाइम और इन सेम लोकेशन। तो जो एक्टिविटी, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये जो है एक इवेंट है, और इस इवेंट से जो है दो एक्टिविटी एक साथ जो है हो रहा है, मतलब ए भी हो रहा है और डी भी हो रहा है, तो दोनों एक साथ हो रहा है, सेम प्लेस सेम लोकेशन एंड सेम टाइम। तो ये ए और डी जो है कंकरेंट एक्टिविटी है। ठीक है, सो इसके बाद है डमी एक्टिविटी। डमी एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी विच नाइदर कंज्यूम टाइम नॉर रिसोर्स बट आर यूज्ड सिंपली टू रिप्रेजेंट अ कनेक्शन और अ लिंक बिटवीन द इवेंट्स आर नोन एज डमीज। इट इज शोन इन नेटवर्क बाई अ डॉटेड लाइन। तो ये क्या होता है, हमारे पास जो भी एक्टिविटी, जैसे प्रीसीडिंग एक्टिविटी, सक्सीडिंग एक्टिविटी, कॉन्करेंट एक्टिविटी, नेटवर्क डायग्राम में इसका कोई ना कोई वैल्यूज होता है। मतलब अगर टाइम में दिया हो तो डेज में, या फिर कोई भी मतलब वैल्यू होगा नेटवर्क डायग्राम में, लेकिन डमी एक्टिविटीज का जो है कोई भी वैल्यू नहीं होता है। यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी नाइदर कंज्यूम टाइम नॉर रिसोर्स, लेकिन फिर भी हम लोग डमी एक्टिविटीज को नेटवर्क के डायग्राम में यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग को नेटवर्क डायग्राम में लॉजिकल सीक्वेंस को जो है कंप्लीट करना रहता है। लॉजिकल सीक्वेंस का मतलब, अगर मान लीजिए नेटवर्क डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर एक इवेंट है, यहाँ पर ये एक एक्टिविटी ए है। तो देखिए यहाँ पर जो है हम लोग के पास एक डमी एक्टिविटी का हमारे पास एक डायग्राम है, और हमने यहाँ पर सी और बी को जो है डॉटेड लाइन से जो है कनेक्ट किया है, और ये जो है इसी को बोलते हैं डमी। ये जो एक्टिविटी है, यहाँ पे भी एरो बनना है, तो ये एक्टिविटी जो है डमी एक्टिविटी है, क्योंकि अगर ये वाला एक्टिविटी डमी एक्टिविटी नहीं रहेगा तो यहाँ पर जो है सी अलग हो जाएगा और यहाँ पर डी अलग हो जाएगा। हमारे पास जो है नेटवर्क डायग्राम का एक रूल है कि स्टार्टिंग का एक इवेंट जो है सिंगल होता है और एंड का जो इवेंट है वो भी एक सिंगल होता है। मतलब हम लोग दो तरफ एंड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि सी में भी एंडिंग कर देंगे और डी में भी एंड कर देंगे। एक एंड पॉइंट जो है हमेशा एक होता है और स्टार्टिंग पॉइंट भी एक ही होता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक डॉटेड जो है लाइन से इसको कनेक्ट कर दिए, और यही एक्टिविटी जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं डमी एक्टिविटी। इसका कोई जो है वैल्यू नहीं होता है, बस हम लोग इसको नेटवर्क डायग्राम में लॉजिकल सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद जो है हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं इवेंट, तो अब हम लोग जो है इवेंट को देखेंगे क्या होता है। तो इवेंट क्या होता है, बिगिनिंग एंड एंड पॉइंट्स ऑफ एन एक्टिविटी आर कॉल्ड इवेंट और नोड्स। तो ये एक बार में समझ में आ गया होगा कि इवेंट क्या होता है। एक कोई एक्टिविटी है, जैसे ये एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी का एक बिगनिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है। तो जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसको आई और जे से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो जाएगा टेल और ये होगा हेड। तो ये जो इवेंट है इसको बोलेंगे टेल इवेंट, और इस वाले इवेंट को बोलेंगे हेड इवेंट। तो यहां पर देखिए, जैसे इस वाले डायग्राम में ये हमारा ए का जो है, यहाँ पे दो, एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंडिंग पॉइंट है ए एक्टिविटी का। तो ये जो है इवेंट है। इसी तरीके से बी के लिए भी दो इवेंट है, डी के लिए भी दो इवेंट है, सी के लिए दो इवेंट है। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं इवेंट। इसके बाद आते हैं मर्ज इवेंट और बस्ट इवेंट। तो मर्ज इवेंट बस्ट इवेंट क्या होते हैं, मर्ज इवेंट होता है जब दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी एक ही इवेंट पर आकर के एंड होती है। मतलब यहां पर इस डायग्राम में देखें तो इस वाले इवेंट में दो एक्टिविटी एंड हो रहा है, एक्टिविटी सी भी इसमें इसी पे एंड हो रहा है और एक्टिविटी एफ भी इस पे एंड हो रहा है। तो ये वाला जो इवेंट है इसको बोलेंगे हम लोग मर्ज इवेंट। दो इवेंट जो आके इसमें मर्ज हो गया। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा। तो दो या दो से ज्यादा इवेंट एक ही दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी एक ही इवेंट पर आकर के जो है मर्ज हो रहा है, तो उस वाले इवेंट को हम लोग बोलेंगे मर्ज इवेंट। इसी के बाद हम लोग देखेंगे बस्ट इवेंट। तो बस्ट इवेंट क्या होता है, बस्ट इवेंट को कुछ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। मतलब दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी का जो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेम होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बस्ट इवेंट। और दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी का एंडिंग पॉइंट अगर सेम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मर्ज इवेंट। तो ये है, ये दोनों भी हम लोग अब देख चुके हैं। तो हम लोग का जो है बेसिक टर्म्स जो है अब कंप्लीट हो चुका है। हमने बेसिक टर्म में जो है सब पढ़ लिया। इसके बाद हम लोगों का कॉमन एरर्स, इसमें आएगा लूपिंग, डैंगलिंग और रिडंडेंसी। अब इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो कॉमन एरर्स में सबसे पहला एरर है लूपिंग का। लूपिंग नाम सुन के समझ में आ रहा है कि लूपिंग का मतलब होता है एक साइकिल को कंप्लीट करना। अगर हम लोग जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं वापस राउंड कंप्लीट करके जो है हम लोग उसी पॉइंट पे वापस आ जा रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लूपिंग या साइकिलिंग। तो क्या होता है, ये ड्रॉइंग एन एंडलेस लूप इन अ नेटवर्क इज नोन एज एरर ऑफ लूपिंग। तो अब इसको हम लोग ड्रॉ किस तरीके से करते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोगों का लूपिंग का एरर बन सकता है। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। यहाँ पे ये एक्टिविटी, ओके। तो ये जो हम लोगों का जो हमारा नेटवर्क डायग्राम बना, इस डायग्राम में अगर हम लोग गौर से देखें तो हम लोग अगर इधर देख रहे हैं तो ये बी इवेंट को ध्यान से देखें। बी इवेंट में क्या है, इधर भी एरो है, इधर भी एरो है। इसका मतलब यहां पर जो है एक सर्कल बन रहा है। तो हम लोग का जो है लूप जो है कभी कंप्लीट नहीं होगा। हम लोग का ए के बाद सी डी बी, हम लोग जो है इसी लूप पे घूमते रहेंगे। आगे तो कहीं पर हो सकता है कि इसके बाद और भी बहुत सारा जो है एरोज और नोड्स बना हुआ रहे, लेकिन हम लोग जब स्टार्ट होगा तो हम लोग इसी लूप पे घूमते रहेंगे। तो हम लोग का इस तरीके से जो क्या होगा, हम लोगों का कभी भी जो है ये नेटवर्क कंप्लीट नहीं होगा। तो इस तरह के एरर को हम लोग बोलते हैं लूपिंग का एरर। और हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम लोग नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करें तो उसमें हम लोग को जो है लूपिंग का एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है एक एरर है और एरर्स हम लोग चाहेंगे कि नहीं हो। इसके बाद है डैंगलिंग। डैंगलिंग भी एक एरर है। इसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, टू डिस्कनेक्ट एन एक्टिविटी बिफोर द कम्प्लीशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज कॉल्ड एरर ऑफ डैंगलिंग। मतलब इसको हम लोग किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए हमारा जो नेटवर्क डायग्राम में, जैसे हम लोग ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं कि हमारा जो नेटवर्क का डायग्राम होता है उसमें स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है और एक ही एंडिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और इस डायग्राम में हमारा एंडिंग पॉइंट ये वाला हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी है डी जो कि यहाँ पर जो है डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। अगर हम लोग को बोलता कि यहाँ पे एक्टिविटी डी जो है सी से मर्ज कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे मर्ज करवा देते और उसके बाद हम लोग का जो है कंप्लीट हो जाता। लेकिन ये हमारा जो है डी का जो एक्टिविटी है ये बस यहाँ पर इस तरीके से रह गया है, तो ये हम लोग का कहीं पर भी कनेक्ट नहीं हुआ। तो इस तरह के एरर को हम लोग बोलते हैं डैंगलिंग, डिस्कनेक्ट हो जाना। ठीक है, तो हम लोगों को ये भी कोशिश करना है कि डिस्कनेक्ट ना हो हमारा नेटवर्क का डायग्राम में और एरर ऑफ डैंगलिंग जो है ना आए।
इसके बाद है एरर ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का एरर क्या होता है, जैसे हम लोग ऑलरेडी डमी एक्टिविटी को पढ़ चुके हैं कि डमी एक्टिविटी क्या होता है, जिसको हम लोग यूज करते हैं बस लॉजिकल सीक्वेंस को कंप्लीट करने के लिए, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं होता है। तो रिडंडेंसी का जो है एरर वो डमी एक्टिविटी से ही आता है, मतलब अगर हम लोगों का कोई अननेसेसरी, अगर हम लोग अपने नेटवर्क के डायग्राम में एक कोई भी अननेसेसरी डमी एक्टिविटी को यूज कर रहे हैं, तो वो जो एरर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं रिडंडेंसी का एरर। इसको भी हम लोग एक ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये इस तरीके का जो है रिडंडेंसी का एरर आता है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ए के बाद बी हो रहा है, बी के बाद डी, और यहाँ पर बी ए जब हो रहा है ए के कंप्लीट होने के बाद जो है सी हो रहा है, और सी के साथ जो है हमने डमी एक्टिविटी को ऐड कर दिया और वो जाकर के मर्ज हो गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो है हम लोग डमी एक्टिविटी को यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को डमी एक्टिविटी को यूज करने का जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट सी, हम लोग जो है डायरेक्ट यहाँ से जो है इसको ऐड कर सकते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पर से इसको ऐसे करके ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार डायग्राम बना लेते हैं, ये बन जाएगा हमारा ये बी, तो यहाँ पे देखिए ये जो है हम लोग इसको, अगर हम लोग इसको कनेक्ट करना चाहें तो हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया, ए के बाद बी फिर डी और डी के बाद ई, और इन दोनों को जो है हमने इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। तो हम लोगों को यहाँ पे जो है डमी एक्टिविटी देने का जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग फिर भी दे रहे हैं तो वो हो जाएगा एरर ऑफ रिडंडेंसी। हम लोग इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन एरर है, और हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि इनमें से कोई भी एक एरर जो है, हम लोगों का जो फाइनल जो है नेटवर्क का डायग्राम बना है उसमें से इन तीनों में से कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोगों का जो है कॉमन एरर्स भी जो है कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल्स ऑफ नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। तो नेटवर्क कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास जो है बहुत सारे रूल्स है जिसको हम लोग को देख याद रखना पड़ेगा। तो पहला एक रूल तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास जो है कोई भी एरर नेटवर्क के जो फाइनल डायग्राम है उसमें से नहीं, उनमें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है ट्राई टू अवॉइड द एरो दैट क्रॉस ईच अदर। ओके, तो मान लीजिए हम लोगों के पास ये जो है एक नेटवर्क डायग्राम है, तो हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि कोई भी एरो जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं करे। तो ये ए है बी है, अच्छा इसको नाम नहीं दिया, इसका नाम आई दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग नहीं करना होता है, हम लोगों को सीक्वेंस में ही नेमिंग करना होता है। खैर अभी आई मैंने यहाँ पे एक नेम दे दिया है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें जो है जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोगों को जो है बी जहाँ पे एंड हो रहा है उसको हम लोगों को डी से जो है यहाँ पे मर्ज कर देना है, सॉरी यहाँ पर ई जहाँ पे डी फिनिश हो रहा है उसको यहाँ से मर्ज कर देना है, मतलब हम लोग को इसको इस तरीके से ज्वाइन करना है। तो अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर दें तो हम लोग देखेंगे जो ई का जो एक्टिविटी है, ई एक्टिविटी उसको जो है ये वाला एरो जो है क्रॉस कर देगा। तो ये चीज गलत है, इसको इस तरीके से जो हम लोग ऐसे मिला देंगे तो ये चीज जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है यूज स्ट्रेट एरो। ओके, अब अगर कोई किसी के दिमाग में आया कि ये इस तरीके से हम लोग नहीं मिला सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, तो इस तरीके से मिला देते हैं, तो ये चीज भी गलत है, ये चीज भी नहीं करना है। हम लोगों को स्ट्रेट एरो का ही यूज करना है, कोई भी कर्व्ड एरो यूज नहीं कर सकते हैं नेटवर्क के डायग्राम में। ओके, इसके बाद भी हम लोगों के पास बहुत सारा रूल्स है, जैसे कि नो इवेंट कैन अकर अंटिल एवरी एक्टिविटी प्रीसीडिंग इट हैज बीन कम्प्लीटेड, ठीक है। इट हैज इफ क्या लिखा है, एन इवेंट कांट अकर ट्वाइस, दो बार नहीं हो सकता है। डमीज शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस ओनली इफ इट, डमीज नहीं हो सकते। नेटवर्क हैज ओनली वन एंट्री पॉइंट, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एंट्री पॉइंट एक होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है जो मेन चीज है, एक ही एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट भी एक ही है। हम लोग जो है दो एग्जिट पॉइंट नहीं बना सकते, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट। इसके अलावा हम लोग है यूज एरो लेफ्ट टू राइट एंड अवॉइड मिक्सिंग ऑफ टू डायरेक्शन। हम लोग जो है ध्यान से देखिए, हम लोग जो है एरो इस तरीके से बना रहे, हम लोग किसी भी नेटवर्क के डायग्राम में जो है ऐसे एरो ये हमारा नेटवर्क का डायग्राम है, हम लोग को एरो बनाना है। क्या इस तरीके से बना सकते हैं एरो? तो ये एरो गलत है, ये हम लोग को इस तरीके से नहीं बनाना है। हम लोगों को एरो बनाना है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट बनाना है एंड अवॉइड मिक्सिंग ऑफ डायरेक्शंस। तो ये हम लोगों का रूल्स है नेटवर्क कंस्ट्रक्शन का, जब हम लोग नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इन सब चीजों को याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो रूल्स हमने देख लिया, जब हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे तो एक हर एक रूल को जो है डीपली देखेंगे किस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करते हैं।
इसके बाद है नंबरिंग द इवेंट। हम लोग के पास जो इवेंट है, एक नेटवर्क के डायग्राम में बहुत सारे इवेंट्स हो सकते हैं, तो उसको जो हम लोग को नंबरिंग करना होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क, तो किस तरीके से नंबरिंग करते हैं वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोगों का नंबरिंग द इवेंट। नंबरिंग द इवेंट क्या है? फर्स्ट रूल है हम लोगों का, नंबर मस्ट बी यूनिक। नंबर जो है यूनिक होना चाहिए। हम लोग एक नंबर को जो है एक बार यूज कर सकते हैं, एक से ज्यादा बार हम लोग यूज नहीं करेंगे, यूनिक होना चाहिए। नंबर शुड बी कैरिड आउट ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देख लेते हैं इसको। तो हम लोग का पहला जो था वो नंबर यूनिक होना चाहिए, नंबर यूनिक होना चाहिए। और दूसरा था एक सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब वन के बाद हम लोग थ्री यूज नहीं कर सकते, फाइव यूज नहीं कर सकते, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फोर, इस तरीके से ही यूज करना है। तो हम लोग जो है हमेशा याद रखना है कि नंबर्स को हम लोगों को यूनिक होना चाहिए, सीक्वेंस भी होना चाहिए, और हम लोगों को लेफ्ट से राइट में ही यूज करना है। ठीक है, मतलब अगर ये वाला में हम लोग नंबर वन दे देंगे, इस इवेंट को नंबर वन दिए, तो हमेशा हम लोग को याद रखना है कि जो स्टार्टिंग का जो इवेंट रहता है उसको हम लोग नंबर वन ही देना होगा। हम लोग इसको सीक्वेंस बनाना है और यूनिक होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे वन दे दिए, इसके बाद टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरीके से नहीं दे सकते हैं। हम लोग का एक और जो रूल है वो ये है कि हमारे जो फर्स्ट जो इवेंट रहता है, स्टार्टिंग इवेंट, उसको हमेशा नंबर वन देना होता है। अगर इसको नंबर वन दे दिए और सीक्वेंस में बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे टू देंगे, उसके बाद अब यहाँ पे देखेंगे तो टॉप टू बॉटम देंगे, टॉप में थ्री दे देंगे, उसके बाद फोर, फिर यहाँ पे फाइव और यहाँ पे सिक्स। तो इस तरीके से ही नंबरिंग करना है। आप किसी और तरीके से भी नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो तरीका है इसको बोलते हैं फुलकर्सन्स रूल, और हम लोग को इसी तरीके से नंबरिंग करना होता है। ओके, तो इसके बाद है नंबर ऑल न्यू स्टार्ट इवेंट, सॉरी इनिशियल इवेंट मस्ट बी नंबर्ड एज वन। हाँ, ये तो हमने पढ़ लिया, इनिशियल इवेंट को जो हमेशा नंबर वन रखना पड़ता है, और उसके बाद के जो इवेंट है उसको टू, थ्री, फोर और इस तरीके से जो हम लोग नंबरिंग करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क। तो एक जो है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, और हम लोग को जो है इसी तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है। एक बार आप लोग यहाँ पे आराम से देख लें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में और हम लोग को क्या बना करने बोल रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन में है कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट हुज एक्टिविटीज एंड प्रेसिडेंट रिलेशनशिप्स आर गिवन बिलो। हम लोग के पास एक्टिविटी दिए हुए हैं और उसके प्रेसिडर्स एक्टिविटी, प्रीडिसेसर एक्टिविटी दिए हुए हैं, और हम लोग को बोला है नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। तो एक्टिविटी हम लोग को जानते हैं, नेटवर्क डायग्राम को बनाने के लिए हम लोगों को एक्टिविटीज लगते हैं और नोट्स लगते हैं, मतलब एरो और नोट्स से हम लोग का नेटवर्क डायग्राम बनता है। तो ये वाला जो हम लोग के पास जो डेटा दिया हुआ है, ये क्या इनफ है नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए? तो बिल्कुल सही, ये वाला जो डेटा हमारे पास दिया हुआ है ये बहुत है हम लोगों को नेटवर्क डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक्टिविटीज दिए हुए हैं, हमारे पास एक्टिविटीज दिए हुए हैं और उसके प्रेडिसेसर्स एक्टिविटीज भी दिए हुए हैं, मतलब कौन एक्टिविटी के बाद कौन सा एक्टिविटी है, फिर उसके बाद कौन सा एक्टिविटी है, ये सब हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग इस तरीके से जो है आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्रीडिसेसर एक्टिविटी हमने पढ़ लिया है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी मतलब जो एक्टिविटी किसी एक्टिविटी के पहले आता है उसको हम लोग प्रीडिसेसर एक्टिविटी बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ए एक्टिविटी जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पर डी एक्टिविटी शुरू हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे बी एक्टिविटी जहाँ पे खत्म हो रहा है ई एक्टिविटी वहां पे शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ बी जो है प्रीडिसेसर एक्टिविटी है। तो जहां पे वो एंड होगा बी एक्टिविटी, मतलब बी और ई है, मान लीजिए ये वाला एग्जांपल ले, तो बी यहाँ पे होगा और इसके बाद ई होगा। बी और ई को अगर हम लोग ले तो बी होगा फिर ई होगा, क्योंकि बी जो है प्रीडिसेसर एक्टिविटी है और ई जो है एक्टिविटी है। तो इस तरीके से हम लोग को देख करके अब समझ गए हैं किस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो ए के लिए हमारे पास कोई भी प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, बी के लिए भी कोई प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, सी के लिए भी नहीं है। इसका मतलब ए से पहले कुछ नहीं रहेगा, बी से पहले भी कुछ नहीं रहेगा, सी से पहले भी कुछ नहीं रहेगा। अगर कुछ नहीं रहेगा मतलब यही तीनों जो है सबसे पहले रहेगा। तो हम लोग इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे कि ए के पहले ए रहेगा, सॉरी ए रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर सी रहेगा। तो तीनों एक साथ स्टार्ट हो गया, लेकिन ये जो हमने ड्रॉ किया है ये जो है गलत है, क्योंकि हम लोग एक चीज और पढ़े हैं वो ये कि हमारा जो स्टार्टिंग इवेंट रहेगा, मतलब स्टार्टिंग नोड रहेगा, वो सेम रहेगा। हमने देखिए यहाँ पे तीन नोड बना दिए, तो तीन नोड नहीं बनेगा। नोड जो है स्टार्टिंग वाला नोड जो है एक ही रहता है और एंडिंग वाला नोड भी एक ही रहता है। तो अब हम लोग अगर इसको ड्रॉ करें तो हम लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से ड्रॉ करना है।
यहाँ पर जो है एक नोड बनाएंगे और तीनों को इसी से स्टार्ट कर देंगे, मतलब ए, फिर यहाँ पे हो जाएगा ये बी, और इधर बना देंगे हम लोग एक्टिविटी सी। तो ए बी और सी इस तरीके से हमने एक्टिविटी बना दिया। ये तीनों जो है स्टार्टिंग है क्योंकि इसके साथ जो है कोई भी प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ए जहां पे खत्म हो रहा है वहां से डी स्टार्ट हो रहा है। तो ए यहां पे स्टार्ट हुआ, यहां पे खत्म हुआ, यहां पे खत्म हुआ, तो यहां से हम लोग को डी को स्टार्ट करना है। तो हमने यहां पर डी को स्टार्ट कर दिया, यहां ये हम लोग का हो गया फिनिश। इसके बाद ये बी जहां पे खत्म हो रहा है वहां से ई स्टार्ट हो रहा है, तो बी यहां पे खत्म हो रहा है, यहां से हम लोगों को ई को स्टार्ट करना है। और एक और चीज देखिए, बी जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे एफ को भी स्टार्ट करना है। यहां पे जो भी वैल्यूज है, जैसे यहां पे ए हमने देखा, ए यहां पे कोई भी नहीं था, लेकिन बी जो है दो जगह पे है, तो बी जहां पे खत्म हो रहा है वहां से ई भी स्टार्ट हो रहा है, एफ भी स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से करेंगे, यहां से ई भी स्टार्ट हो रहा है और यहीं से एफ भी स्टार्ट हो रहा है, ये हो गया। तो ये दोनों भी हमारा हो गया। इसके बाद है सी जहां पे खत्म हो रहा है वहां से जी स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर सी खत्म हुआ, यहां से हम लोग क्या करेंगे, जी को स्टार्ट कर देंगे, कर दिया हमने जी को स्टार्ट। फिर डी जहां पे खत्म हो रहा है वहां से डी जहां पे खत्म हो रहा है वहां से एच स्टार्ट हो रहा है। तो डी यहां पे खत्म हो रहा है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, एच को स्टार्ट करेंगे। ओके, ये भी हो गया। फिर ई जहां पे खत्म हो रहा है वहां पर आई स्टार्ट हो रहा है। देखिए ई यहां पर खत्म हो रहा है, यहां से हम लोगों को आई को स्टार्ट करना है, मतलब हम लोग यहां पे इस तरीके से जो है आई को स्टार्ट कर दिए। इसके बाद एच और आई ये जो है दोनों एक साथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि एच जहां पे खत्म हो रहा है वहां से जे स्टार्ट हो रहा है और आई भी जहां पे खत्म हो रहा है वहां से जे स्टार्ट हो रहा है। अगर ऐसा हम लोग सोचेंगे तो एच जहां पे खत्म हो रहा है वहां से जे स्टार्ट कर दी और आई जहां पे खत्म हो रहा है वहां से जे स्टार्ट कर दी, पर ये ऐसा यहां पे बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है अगर कभी भी प्रीडिसेसर एक्टिविटी में दो एक साथ दिए हुए रहे, दो एक्टिविटी, तो उसका मतलब है उन दोनों जहां पे मर्ज हो रहा है वहां से जे स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, एच और आई को हम लोग मर्ज नहीं किया है। हम लोग यहाँ पे अभी अपना फाइनल नेटवर्क नहीं बना रहे, फाइनल नेटवर्क हम लोग अभी इसके बाद बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एच हमने अलग कर दिया, आई अलग कर दिया, लेकिन हम लोग को यहाँ पे आगे जाके बोला एच और आई मर्ज करो और वहां से जे स्टार्ट करो। तो हम लोग यहाँ पे एक डमी एक्टिविटी का यूज करेंगे, ठीक है। ये डॉटेड लाइन जो है डमी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, इसका नाम भी कुछ दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे देखिए एच और यहाँ पे जो है आई, हम लोग जब अपना फाइनल डायग्राम में बनाएंगे तो डायरेक्ट जो है आई को यहां न ले जाकर के डायरेक्ट जो है एच पर लेके चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, जे स्टार्ट करने, तो हम लोग यहां से जो है जे को स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद एफ और जी जहां पे खत्म हो रहा है वहां से के स्टार्ट हो रहा है, तो एफ और जी को भी जो है हमने मर्ज नहीं किया हुआ है, तो हम लोग इसको भी जो है मर्ज करेंगे। मर्ज कर दिए हम लोग एफ और जी को, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां पर मर्ज करने के बाद हम लोग यहां से के को स्टार्ट कर देंगे। तो एंडिंग का पोजीशन ये है, एक ही एंडिंग पोजीशन होना चाहिए, तो के को हम लोग जो है ले जा करके स्ट्रेट एरो होना चाहिए हमारा, तो के यहां पे जो है फिनिश हो जाएगा। इसके अलावा जो हम लोग यहां पे देखिए दो डमी एक्टिविटी हमने यूज किया है, तो इसको हम लोग को जो है हटाना है। तो हम लोग अब फाइनल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमारा जो फाइनल नेटवर्क डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। हम लोग यहां पे देंगे ए, बी और हमने यहां पे दिया सी। इसके बाद हम लोग जो है यहां से डी स्टार्ट कर देंगे, डी के बाद एच है, एच को भी स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद जो है हम लोग जे को भी स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग देखिए ई और एफ है, ई और एफ हम लोग कोई भी डमी एक्टिविटी नहीं है, तो यहां पे हम लोग ई और एफ ये ले लिया। आई को जो है हम लोग को एच से जो है यहां पे देखिए ये जो आई है यहां पे चला गया, इसको हम लोग को यहां पर ज्वाइन करना था, तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहां से जो आई जो हम लोग को निकलेगा उसको हम लोग यहां पर ज्वाइन कर देंगे, आई हो जाएगा ये। इसके बाद जो है यहां पे जो जी है इसको हम लोग को डायरेक्ट एफ से ज्वाइन करना है, तो यहां पर जो जी हम लोग देंगे इसको एफ से ज्वाइन कर देंगे, तो इस जी को हम लोग एफ से ज्वाइन कर दिए जी।
ओके इसके बाद हम लोग क्या करना है, यहाँ पर जो है के को हम लोग को जे से ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पर से जो हम लोग एक देंगे के, तो हम लोगों का जो है फाइनल नेटवर्क जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा। तो हमने जो है सारे एक्टिविटीज को लिख दिए हैं, तो ये बन गया हम लोगों का फाइनली नेटवर्क डायग्राम। इसके बाद भी हम लोगों को कुछ स्टेप करना होता है, याद कीजिए हम लोगों को नंबरिंग करना होता है इवेंट्स पे। तो हम लोग नंबरिंग कैसे करते थे वो भी हम लोग अब यहाँ पे कर देते हैं। स्टार्टिंग वाले जो हम लोग इवेंट है हमेशा उसको नंबर 1 देना पड़ता है, उसके बाद जो हम लोग टॉप टू बॉटम देते हुए जाएंगे तो इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लास्ट वाला इवेंट को जो हम लोग हमेशा लास्ट नंबर देंगे और इस तरीके से नंबरिंग कर देंगे फुल कर्सन रूल को ध्यान में रखते हुए। तो ये बन गया हम लोगों का नेटवर्क डायग्राम, हमने जो है एक नेटवर्क डायग्राम भी बना लिया। अब इसके आगे देखेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग का जो नंबर 7 था नंबरिंग द इवेंट और कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क हम लोग दोनों कम्प्लीट कर चुके हैं। अब नंबर 8 है, तो नंबर 8 में जो हम लोग के पास है जो टाइम एनालिसिस और हम लोग के पास जो सीपीएम और पर्ट वाला जो आगे का जो हम लोग के पास है टॉपिक, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जो अपने डिस्कस करेंगे। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, तो फ्रेंड्स अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने जो है हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसमें हमने फेज 1 को जो है अब तक पूरा कंप्लीट कर लिया है, मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ एरो डायग्राम, हमने एरो डायग्राम को बना लिया। इसके बाद जो है हम लोगों का जो टॉपिक था वो था टाइम एनालिसिस। टाइम एनालिसिस में जो हम लोग फेज 2 जो है उसको देखेंगे, डिटरमाइन द स्टार्ट एंड एंड टाइम फॉर एक्टिविटी, ये वाला सब चीज जो है फेज 2, और फेज 3 में सिर्फ हम लोग को टेबल बनाना रहता है। तो फर्स्ट जो हम लोग का फेज था प्लानिंग का फेज, यहां तक हम लोग अब पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद के वीडियो में जो हम लोग टाइम एनालिसिस देखेंगे, कैसे टाइम कैलकुलेट करते हैं, फ्लोट वैल्यूज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रिटिकल पाथ कैसे निकालते हैं, वो सब देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।